नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें बच्चे नहीं फेल होते हैं, परीक्षाएं फेल होती हैं। कल रवीश ने ट्विटर पर एक बड़ी खूबसूरत चीज लिखी थी कि अब शिक्षा मंत्री की जरूरत नहीं है, परीक्षा मंत्री की जरूरत है। और संयोग देखिए कि कल ही जो हमारी नई बाल विकास और महिला मंत्रालय की नई जो राज्य मंत्री हैं, उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाती। इन सबके बीच राजनीति की बात करने में कई बार शर्म भी आती है और जरूरी भी कई बार लगता है, क्योंकि राजनीति ही है जो हमें यहाँ ले आई है, जहाँ न परीक्षाएं समय पर होती हैं, न न्याय समय पर होता है और मंत्री ऐसे ऐसे की मत पूछिए। अब स्पीकर बनने का सवाल उठ रहा है, लगातार स्पीकर को लेकर चर्चा है। उसके पहले भी बहुत सारी चर्चाएं थी। सरकार बन गई, सरकार चल रही है, मोदी जी फिर से कपड़े बदलने लगे, मोदी जी फिर से फोटोग्राफ्स खिंचाने लगे। कल नालंदा में बड़े सुंदर सुंदर उनके फोटोग्राफ आए, नालंदा में मंच पे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मंच पे ही एक ऐसी बात कह दी जो शायद उनको बुरी लगी। काफी गुस्से में चेहरा दिख रहा था, फिर वो नॉर्मल हो गए। उन्होंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत जो हुई थी वो कांग्रेस के टाइम में हुई थी और बाकी सारी चीजें। लेकिन इन सबके बीच स्पीकर का मामला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमने ओम बिड़ला जी को देखा है कि जो बिल, जो न्याय संहिता 1 तारीख से लागू होने वाली है, उसको लागू कराने के लिए उस पर कोई बहस ना हो पाए, किस तरह से लगभग पूरे विपक्ष को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। जिस तरह से महुआ मोइत्रा को बाहर निकाला गया संसद से, राहुल गांधी, ये सारी चीजें हमने अपने समय में देखी हैं, आदरणीय ओम बिड़ला जी के समय में देखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओम बिड़ला जी को फिर से लोकसभा का स्पीकर बनाया जाए। बताया जा रहा है कि इसको लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है, TDP खासतौर पर अड़ी हुई है। नीतीश कुमार के तो जो दिल्ली के सिपा सलार हैं KC त्यागी साहब, वो बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि भाई BJP का ही होना चाहिए, वही सत्ताधारी पार्टी है तो उसका होना चाहिए। एंड JDU के भीतर जो ये सारा तमाशा है वो हम समझते हैं और जानते हैं, लेकिन शायद तेलुगु देशम अभी भी अड़ी हुई है। और मजेदार बात यह है कि कल जो मीटिंग्स हो रही थी वो अमित शाह के यहाँ नहीं, राजनाथ सिंह के यहाँ हो रही थी। ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर है। अशोक जी, हर बार की तरह बिना किसी सवाल के मुद्दे मैंने खोल दिए हैं, आप उठा लीजिए। आपने एक बड़ा अहम सवाल पूछा और सवाल वो है कि मीटिंग अमित शाह के यहाँ क्यों नहीं हुई, राजनाथ सिंह के यहाँ क्यों? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये गठबंधन की सरकार चलाने के आदी नहीं है। इन्हें गठबंधन इन्होंने कभी चलाया नहीं है, ना कभी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ना अमित शाह क्यों? अशोक जी, ये ठगबंधन चला सकते हैं, गठबंधन गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन चलाते हैं और ठगबंधन ही चलाते आ रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक यही करते आ रही है। तो जब आप 52 लोगों के भरोसे है, आपको लगता होगा कि आपने उनको मंत्री बनाया, आपने सरकार बनाई, हम 240 है, लेकिन वो 52 जानते हैं कि वो 52 की वजह से आप प्रधानमंत्री, 52 का एहसान है आप पे कि आप प्रधानमंत्री है, आपकी मजबूरी है कि इन 52 को आपको साथ में रखना है। तो ऐसे में तमीज से बात करने की बात होती है। आप यदि स्पीकर अपना लाना चाहते हो तो आपको बड़े प्यार से, मोहब्बत से, जिसको हिंदी में एक शब्द है, बिल्कुल चरणों में लेट के बात करनी होगी। तो चरणों में लेटने के आदि ना नरेंद्र मोदी है ना अमित शाह है। आपने देखा ये संत को तक आके दिखा सकते हैं, तो ये तो कहीं लेटेंगे नहीं। ऐसे में इनके पास एक नेता है जो चरणों में लेट सकता है, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात कर सकता है, भाई दाढ़ी भी पकड़ सकता है, हाथ पैर भी जोड़ सकता है, वो है राजनाथ जी। और इसीलिए राजनाथ जी का ही उपयोग कर रहे हैं कि आप इनको जरा देख लीजिए। राजनाथ जी पहले भी मिलीजुली सरकार में मंत्री रहे हैं, वो इस बात के आदि है। और राजनाथ सिंह को जान ही जाते हैं कि वो बहुत ही, हमने देखा ना मोदी जी के सामने भी कैसे जबरदस्त तरीके से सरेंडर हो गए कि 2019 का भी चुनाव मोदी जी के अंडर लड़वाने का प्लान उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो हाँ, 2029 का भी चुनाव जो है, तो कुल मिलाकर उन्हें उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था। लेकिन क्या वो लोगों को मना पाएंगे? और क्या जो TDP है जो स्पीकर पद के लिए अड़ी हुई है, मुझे लगता है कि TDP स्पीकर पद का जो मुझे खबरें मिली है वो छोड़ देगी, लेकिन वो प्रेशर बहुत बना है स्पीकर को लेके, क्योंकि उनको और कुछ चाहिए और वो विश लिस्ट जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। आप मानोगे नहीं अशोक जी, हर मंत्रालय में से हमको कितना चाहिए ये पूरी लिस्ट दी गई है, A to Z मंत्रालय से। इस मंत्रालय से ये फंड चाहिए, इस मंत्रालय से ये फंड चाहिए। अब इनको ये देना है, देखना है कि
कि ये सिर्फ पैसे दे दे के अपनी सरकार बचाएंगे, और ये पैसा आपको आंध्र प्रदेश में देना होगा। और आंध्र प्रदेश जो अभी बैंकक्रप्ट है, दिवालिया हो चुका है, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को यदि वहां सरकार में रहते हुए अपने एजेंडे लागू करने हैं, अपने मैनिफेस्टो लागू करने हैं, तो पैसे की नितांत जरूरत है। कर्जा बहुत ऑलरेडी आंध्र प्रदेश ले चुका है, ऐसे में ऊपर से फंडिंग करनी पड़ेगी। और ये पैसे दे दे के, मैं ये यदि ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आंध्र प्रदेश को पैसे दे के ये प्रधानमंत्री पद खरीद चुके हैं, अपनी सरकार में रहने की सत्ता खरीद चुके हैं, और सत्ता का मोल जो है वो आंध्र प्रदेश को देना होगा। बाकी राज्यों के साथ क्या करते हैं, बिहार अपना एक अलग मांग रहा है, कुल मिला के स्पीकर पद भी बैठ जाए, लेकिन हाउस अब वो नहीं है जो 2019 का था। इस बार यदि वो 240 है तो ये 230 है, 10 का फर्क है। और ये जो 52 जो उनके साथ जुड़ के इसको 92 पर ले जाते हैं, वो 92 के 52 जो है वो कई इश्यूज पे डिफर करेंगे, कई इश्यूज पे वो अपना वीटो यूज करेंगे। तो आपको जो पहले जैसा आप करते आ रहे हैं, जैसा चाहे वैसा आपने बिल पास कर दिया, जिसको चाहे उसको डिस्कशन कर दिया, क्या ये सब कर पाएंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई चीजें हैं जो अब इस सरकार को बहुत सोच समझ के करनी होगी। और मैं तो बार बार कहता हूं कि इस सरकार को हम कहते हैं कि अग्नि परीक्षा स्पीकर का पद, अग्नि परीक्षा ये होगी, अरे इनकी अग्नि परीक्षा रोज है, इनकी अग्नि परीक्षा रोज है, और ये वो परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं होता। ये अग्नि परीक्षा है जहां सॉल्वर बैठते नहीं तुम्हारे सामने, क्वेश्चन पेपर हटाए नहीं जाते, ये तो वो परीक्षा है जिसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये अग्नि परीक्षा जो है, ये हर पल, हर रोज, हर बिल में, सेशन का हर दिन ये परीक्षा होगी। अब इसमें फ्लोर मैनेजमेंट का काम क्या राजनाथ ही देखेंगे बाद में, जिस हिसाब से राजनाथ को आगे कर रहे हैं, मुझे लगता है राजनाथ के ही गले पड़ेगा ये मामला कि आप फ्लोर भी मैनेज करिए, कहिए कि आपके साथी दल टाइम पे रहे, कोरम मेंटेन रहे हाउस का, और जब जब बिल पास हो तब बीजेपी का या एनडीए का व्हिप नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के संसदीय दल से तो अपना नेता पद चुनवा लिया, वो तो उन्होंने जुगाड़ कर लिया, लेकिन हाउस में यदि उन्होंने व्हिप जारी की बीजेपी ने, तो बीजेपी की व्हिप बीजेपी के मेंबर पे ही जारी होगी, वो एकनाथ शिंदे के या टीडीपी के या उस मेंबर्स पे जारी नहीं होगी। तो आपके पास 52 लोग हैं, कम से कम 10-12 पार्टियां हैं, वो 12 पार्टियों को आपको साधना होगा, रोज वार्ता होनी होगी और हर एक की डिमांड होगी हर मंत्रालय में। अभी तो मंत्रालय में लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया, अभी तो बड़े पब्लिकली बोलते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब मंत्रालय में बैठना शुरू हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा, तब फिर अपने टेंडर, अपने सारी चीजें, ये सब होगी। और ये हर जगह पे इनको आदि है लेने का। देखिए, मैं अभी मुंबई में बैठा हूँ अशोक जी, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट जाके मैं सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ, कैसा ऑपरेट करते थे ये लोग और इनको अब ऑपरेट करने में तकलीफ क्यों होगी। ये जितने भी डबल इंजन की सरकारें हैं, उसमें हर सरकार में गुजरात का एक आदमी दिल्ली में उस राजधानी में जाकर बैठता है, उसका कोई ओहदा नहीं है, लेकिन वो किसी बड़े अधिकारी के कमरे में टेबल लगा के बैठता है। अब देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के 3,000 करोड़ रुपए 2 साल से पड़े हुए हैं महाराष्ट्र सरकार के पास, फिर 3,300 और आ गए, अब 6,600 करोड़ रुपए हो गए सेंटर का फंड। और इसका मेजर एक्सपेंडिचर क्या है, मेजर एक्सपेंडिचर ये करना है कि जो इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं उसको ग्राउंड केबलिंग करनी है, खासकर उस एरिया में, कोस्टल एरिया में, कोकड़ वाले एरिया में, जहां समुद्री तूफान जब हिट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चरमरा जाती है, उसके वजह से कई चीजें हो जाती है। तो वहां का तो 3,000 करोड़ का तो काम वही है जो अंडरग्राउंड केबलिंग करना है। अब देखिए, ऑटो रिक्शा सरकार है महाराष्ट्र, ठीक है, 3 पहिए है, एक राष्ट्रवादी का, एक शिवसेना का और एक बीजेपी का, और इसका ऑटो ड्राइवर जो है वो दिल्ली में बैठा है, ठीक है, हर पहिया 3% मांग रहा है, 9 इनके हो गए, ऑटो ड्राइवर भी 3% मांग रहा है, 12% हो गए। और जब आपको टेंडर मिलेगा तो विभिन्न जगह परमिशन लेनी होती है, क्योंकि वो खुदाई भी करनी है, माटी डिस्पोजल करनी है, केबलिंग करनी है, कई जगह परमिशन लगती है, बिल पास होने होते हैं, कई चीजें होती है, उसके लिए कोई भी टेंडर वाला एक 3% एक छोड़ देता है, वो 2% कमीशन और 3% ये बाकी खर्चे, ऐसे 5% का गाला है। यहां सर 15% तो का गाला पड़ रहा है। अब ठेकेदार, मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई तो उन्हें कहा कि देखो अशोक जी,
15% यदि हम इनको देंगे तो 15% हम भी तो कमाएंगे। हम 5% कमाने के लिए 15% इनके लिए तो हम धंधा नहीं कर रहे इनको कमाने के लिए। तो यदि हम 30% कमाएंगे तो सर 70% में, मतलब 30% यदि चला जाएगा कमीशन में और प्रॉफिट में तो 70% में काम होगा ही नहीं। इसलिए पिछले 2 साल से कोई टेंडर वाला नहीं आ रहा है। ये टेंडर डिजाइन करने के लिए लोगों को बुला रहे हैं कि आपके हिसाब से टेंडर डिजाइन करते हैं, बताइए कैसा करेंगे। बोले साहब 30% पे नहीं कर, 15% पे नहीं कर सकते हम। तो मैंने बोला कि कौन आदमी बैठा है भाई, कोई कोई मालविया मालविया है, पता नहीं कौन मालविया है, गुजरात से आया हुआ है, मुंबई के ऑफिस में बैठता है और पैसा मांगता है। बोला कोई टेंडर जो ऑलरेडी हो चुका है, किसी पुणे कॉर्पोरेशन ने एक टेंडर निकाला 200 करोड़ का, इनको पता पड़ता है तो तुरंत उनको फोन जाता है अधिकारी को, जिसको टेंडर मिला उसको बुलाओ मिलने के लिए। वो आता है, बोले आपने टेंडर लिया? बोले हाँ साहब। बोला 5% चाहिए। ये बोले 5% कहां से सर, हमको पहले मालूम होता तो हम इसमें कुछ गाला रखते नहीं। बोले चाहिए 5%। वो बोला साहब हमको टेंडर नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे कहां करेंगे। बोले अच्छा 2% तो भी देना ही पड़ेगा, ये दिल्ली टैक्स है, ये झिझिया टैक्स है सर महाराष्ट्र पे, ऐसा झिझिया टैक्स आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ऐसा ही झिझिया टैक्स आपको बिहार में उसमें मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अब ओडिशा में। बाकायदा आदमी डिप्यूट होकर टेबल लगा के बैठा है, ये लूट नहीं है तो क्या है सर, कैसे काम होंगे। और ये आदि है ऐसे हर जगह अपना पैसा वसूल करने में, अब वो कैसे करेंगे। ये मंत्रालय में पासवान के पास, चिराग के पास जो मंत्रालय है उसमें वो क्यों परसेंटेज छोड़ेगा इनके लिए, उसको अपनी पार्टी नहीं चलानी है। एकनाथ शिंदे की मजबूरी हो सकती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है वहां पे, वो बोलेंगे यहां 3% हमको छोड़ो क्योंकि 3% तुमको हम छोड़ रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र में। मेरे को रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने बोला तुम्हारी बात नहीं होती, ऊपर बताओ उनको कैसा करेंगे तुम। तो बोलते बोले कि तुम इसको कॉस्ट बढ़ा के बताओ पैसा एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने बोला कॉस्ट कैसे बढ़ाते हैं। बोला उदाहरण के तौर पे 20 रुपए मीटर की केबल है। बोला बोले उसको 120 का दिखाओ। बोले ये मुझे बहुत बड़े मंत्री ने कहा, मैं नाम क्या लू आपको अशोक जी, मैंने चरण छुए उनको, सर मैं इस महाराष्ट्र में 4 काम कर रहा हूं जहां मैं 20 रुपए की केबल का बिलिंग कर चुका हूं, उसी केबल को मैं 120 करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा साहब, मैं नहीं करना चाहता काम। देखिए बरसात शुरू हो गई, 2 साल से पैसा पड़ा है, कोई हादसा हो जाए, जब 100-150 लोग मरेंगे तब इंक्वायरी होगी कि इतना देर से पैसा पड़ा हुआ क्यों नहीं यूज हुआ। ये इस हिसाब से ऑपरेट करने वाले लोग क्या मिली जुली सरकार ऑपरेट कर पाएंगे। जो झिझिया कर लगाते हैं, जो मुगलों का हुआ करता था, वो झिझिया कर जो है वो क्या बाकी लोग अपने मंत्रालय में चलने देंगे, सवाल यह है। इसलिए मैंने कहा कि स्पीकर पद का इनके पास फ्लोर, मैंने इसलिए राजनाथ सिंह को सामने लाए कि भाई साहब आप आ जाओ, थोड़ा सा देख लो, ये कर लो। अब नालंदा में प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन जो आपने जिक्र किया नालंदा का, उसका भी मैं किस्सा सुना दूं। तो उसके पहले जब बिहार में चुनाव में जब रैलियां हो रही थी, तो 2 रैली के बाद प्रधानमंत्री जी के यहां से बना हो गया कि अब नीतीश जी साथ में नहीं रहे। उसका कारण यह था कि प्रोटोकॉल के अनुसार नीतीश जी पहले बोलते हैं, और नीतीश जी इतना बड़ा सारा क्रेडिट पूरा ले लेते, खोद लेते थे कि प्रधानमंत्री जी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचता था, और सारा क्रेडिट नीतीश ने कर ही लिया कि मेरे सरकार ने किया, मेरे सरकार ने किया, मेरे सरकार ने किया। तो मोदी जी कैसा कहेंगे कि ये उनके नहीं है, मेरे सरकार ने किया, झगड़ा तो नहीं कर सकते। और मोदी जी बगैर क्रेडिट लिए रहते नहीं, मतलब पानीपत के युद्ध का भी क्रेडिट वो ले सकते हैं। उस टाइम गुजरात का एक ऐसा हो गया था जब महाराणा प्रताप के घोड़े का रिश्ता वो अपने गुजरात से लगा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कल जो नालंदा में बोला नीतीश जी ने, उसमें उन्होंने इस
यूनिवर्सिटी का क्रेडिट यूपीए सरकार को दिया। और जब वो यूपीए सरकार की बात कर रहे थे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। उन्होंने पहले ढस कर दिया सारा मामला। तो कुल मिलाकर ये जो मामले हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार को कुछ बोल भी नहीं सकते। चुनाव के पहले तो आपने रैली से मना कर दिया, आप तो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसके भी तो 13-14 है जो इनको संभाले हुए हैं। अब नीतीश की सरकार आपकी मर्जी पे नहीं है, वो तो कब का विधानसभा डिजॉल्व करना चाहता है, और आपने छोड़ भी दिया तो वहां चाचा ने भतीजा तैयारी है, वो बोलता है चाचा को अपमानित नहीं रहने दूंगा मैं, चाचा को हमेशा मुख्यमंत्री बना के रखूंगा। तो अब हर पल परीक्षा है, जब तक ये सरकार चलेगी तब तक ये ऐसा ही चलेगा। अच्छा, महाराष्ट्र से खबर आ रही है छगन भुजबल जी को लेकर के, सुनेत्रा पवार को राज्यसभा देने के बाद काफी दुखी हैं, काफी नाराज हैं, पार्टी वार्टी छोड़ने वाले हैं। उधर बंगाल से खबर आई है कि प्रणब मुखर्जी जी के जो बेटे हैं वो कांग्रेस में लौटना चाहते हैं, और हरियाणा से खबर तो आ ही चुकी है कि किरण चौधरी जो हैं वो जा चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो अब जो तीनों लाल हरियाणा के हुआ करते थे, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पीढ़ियां हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में सेटल हो गई हैं। तो परिवारवाद वहां पे बिल्कुल सेटल हो गया है। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ने वाली हैं, वो परिवारवाद रह गया है, बाकी सारे परिवारवाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर बिल्कुल सेटल हो गए। खैर, मेरा सवाल ये है आपसे कि अब तो चुनाव उनाव बीत गया, हरियाणा का चुनाव आने वाला है तो हरियाणा में समझ में आता है, लेकिन बाकी जगहों पर अब ये जैसे प्रणब मुखर्जी के बेटे के वापस लौटने की बात है, या छगन भुजबल, वो भी अपने आप में एक बहुत मजेदार कैरेक्टर है, मुझसे बहुत ज्यादा आप उनको जानते हैं, तो कुछ आपको अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ, जिसको हम लोग बहुत शुद्ध हिंदी में कहते हैं आलोड़न तरंगन, कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है सर। देखिए, इस लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक तो बात बता दी है कि अजित पवार ये उम्मीदवारों को जिता नहीं सकते। अजित पवार इज नॉट एट ऑल सेलेबल ब्रांड। ये कहते थे कि संगठन पे बड़ी पकड़ है और अजित पवार ने बनाया हुआ संगठन, शरद पवार यूं ही नाम चलाते हैं। शरद पवार ने फिर एक बार बता दिया है कि शरद पवार है, अजित पवार अजित पवार है। अजित पवार वो कोकण वाली सीट हार जाते, लेकिन उनके लिए बारामती जीतना बहुत अनिवार्य था, वो उनके लिए वाटरलू साबित हुआ। बारामती वो हारे, और बारामती हारे नहीं सर, बुरी तरह से हारे। मतलब बारामती लोकसभा में एक बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, जहां से अजित पवार विधायक है, वहां अजित पवार की पत्नी 48,000 वोटों से पीछे। मतलब यदि ये माने आप, यदि लोकसभा के नतीजे विधानसभा के ऊपर ट्रांसलेट करके देखे तो अजित पवार विधायक का चुनाव हार रहे हैं। 38,000 का लीड बहुत बड़ा होता है विधानसभा में। तो जब अब वहां पे बाकी लोग जो है वो कर रहे कि अब करें क्या, विधानसभा के चुनाव सर पे है अभी 3 महीने बाद, हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव साथ में है, तो वो लोग सब शेल्टर देख रहे हैं, क्योंकि इसका छत तोड़ गया घर का और बरसात सर पे है, तो छत ढूंढने में के लिए कहा। तो वो अजित पवार, वो शरद पवार ने अपने सराय के दरवाजे बंद कर दिए, उनने कहा कि मेरे हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया बाहर, भी जगह नहीं है। तो ये कहां जा सकते हैं, ये घूम फिर के शिवसेना में जा सकते हैं, ये घूम फिर के कांग्रेस में टटोल सकते हैं कि हमको जगह मिल गई। तो छगन भुजबल बहुत दिनों से विद्रोही तेवर, खासकर मराठा आंदोलन के बाद से विद्रोही तेवर बनाए हुए थे, तो उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं, और छगन भुजबल को जब निकाला गया था शिवसेना से तो बाला साहब ने कुछ भी कहा होगा, लेकिन छगन भुजबल ने एक डेकोरम मेंटेन किया और उसके हमेशा ठाकरे परिवार से संबंध ठीक ठाक ही रहे। वो टटोल रहे हैं कि वापस शिवसेना में जा सकते हैं क्या, क्योंकि कांग्रेस में जगह नहीं है उनके लिए, कांग्रेस छोड़ के शरद पवार के साथ आ गए थे वो, अब शिवसेना में वापस जा सकते हैं। और शिवसेना को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुराने लॉट में गए हुए, पहला जो विद्रोह हुआ था शिवसेना में वो इनका था, छगन भुजबल का था। तो ऐसे में यदि वो वापस चले जाते हैं तो शिवसेना को भी फायदा होगा और छगन को भी फायदा होगा। हालांकि शिवसेना के वहां पे भी एक ऐसा बवाल है कि जो हर चीज को रायता फैलाता है, फिर वो समझने में बहुत तकलीफ आती है।
और वो रायता फैलाने वाले का नाम है संजय राउत। उन्होंने पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया कि छगन भुजबल को कोई पार्टी में जगह नहीं। अरे भाई तुम कौन तय करने वाले हो, उद्धव ठाकरे को तय करने दो। हाँ, उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि जो गए हैं उनको वापस नहीं लेंगे, लेकिन वो जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ गए ये बहुत पुराने हैं, ये जा भी सकते हैं और उद्धव को जरूरत भी है। देखिए कल वाला जो मैं रोक रहा हूँ जानबूझ के मैं उसी लिए आपको, कि कल जो उद्धव ठाकरे का भाषण है मैं सुन रहा था, कई लोगों ने पोस्ट किया था और मराठी में था तो 90% मेरे समझ में आया, 10% तो नहीं समझ में आते हैं, बहुत सारे जो टिपिकल शब्द होते हैं हम लोग नहीं उसको फॉलो कर पाते हैं। लेकिन वो भाषण कई मामलों में बहुत मजेदार भाषण लग रहा था। एक तो जैसे वो क्लेम कर रहे थे कि मैं ही चेहरा हूं, दूसरा ये कि लौट के एनडीए में नहीं जाऊंगा, ये मतलब काफी जिस तरह के भाषण के लिए वो जाने जाते हैं वैसा भाषण नहीं था, वो काफी बाला साहब के स्टाइल में बोलने की कोशिश थी ऐसा मुझे लग रहा था, काफी आक्रामक हो रहे थे, तो उसको भी जोड़ लीजिए इन सारी चीजों के साथ, क्योंकि ये ठीक बात है कि सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा है तो उद्धव का रहा है, ये भी एक सच्चाई है। महाराष्ट्र की सारी ये सच्चाई, तो उद्धव को वो भी सांगली जैसी सीट पे अशोक भाई कम से कम उनको जिद नहीं करना चाहिए था। मैं वही कह रहा था कि सांगली वाले मतलब सांगली वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए पृथ्वीराज चव्हाण ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संजीदा सी बात करी। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यहाँ कोई छोटा भाई बड़ा भाई कोई नहीं, हम सब लोग बैठेंगे और जहां विनेबिलिटी के चांसेस किसके हैं वो उम्मीदवार तय होगा, क्योंकि चुनाव जीतने हैं, ये जीत नहीं करनी चाहिए। और ये सांगली वाली भी जीत संजय राउत के ही चक्कर में हुआ है मामला, उसमें जयंत पाटिल ने उसको बत्ती लगा दी, चिंगारी लगा दी और फिर ये पढ़ लिए, जबकि सांगली में कोई शिवसेना का वजूद ही नहीं था। उन्होंने एक हाँ हुआ ये कि कोल्हापुर जो सांगली को लग के सीट है वहां शाहू जी महाराज के वंशज चुनाव लड़ना चाहते थे और महाराज चुनाव लड़ेंगे तो सारी राजनीतिक दल उनको सीट देने को तैयार है। उन्होंने कहा लेकिन मैं लड़ूंगा कांग्रेस से, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो फिर कांग्रेस ने वो सीट महाराज को दी और महाराज पंजे पे लड़े तो वो कांग्रेस के अकाउंट में गई। तो शिवसेना ने कांग्रेस को सब्स्टिट्यूट मांगनी थी, शिवसेना सांगली पे अड़ी रही, ये जयंत पाटिल सांगली से आते हैं उनको वहां कांग्रेस खत्म करनी थी, तो उन्होंने वो सीट लेने का प्रयास किया, जयंत पाटिल भी औंधे मुंह गिर गए वहां पे। होना उल्टा चाहिए था, यदि उद्धव ठाकरे थोड़ा सा दिमाग से काम करते तो सांगली सीट कांग्रेस को ही छोड़ते और वो सीट कांग्रेस से लेते जहां पीयूष गोयल चुनाव लड़े। यदि वो सीट शिवसेना ले लेती कांग्रेस से तो मैं आपको बता दूं 100% पीयूष गोयल चुनाव हारते। लेकिन सांगली के लिए क्यों दबाव बनाया गया? संजय राउत सांगली सांगली बस जीत रहे, तीसरे नंबर पे आ गए सांगली में और इंडिपेंडेंट आदमी चुनाव जीत गया। अभी ऐसा नहीं है कि एनडीए गठबंधन में नहीं, अभी एक झगड़ा कोकण में चल रहा है भयानक, नारायण राणे वर्सेस एनसीपी मतलब अजित पवार का ग्रुप और बीजेपी आमने सामने। नारायण राणे का जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नारायण राणे मात्र 47,000 से जीते हैं, 2.5 लाख की 3 लाख की बात कर रहे थे और उनके बच्चों ने आरोप लगाया, दोनों बेटों ने, कि उदय सावंत ने हमको चुनाव में तकलीफ दी। उदय सावंत ये एकनाथ शिंदे के खास माने जाते हैं कोकण में, वो रत्नागिरी से 5 बार 6 बार के मिले हैं। ये बात भी सही है कि उदय सावंत क्योंकि वो सीट शिवसेना की थी तो उदय सावंत तो सीट मांग रहे थे अपने भाई किरण के लिए, लेकिन बीजेपी अड़ी रही कि नारायण राणे को ही वहां से लड़वाना है। वहां पिछली बार विनायक राउत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे शिवसेना के जो उद्धव के साथ है, तो शिवसेना कोटे की सीट मानी जाती है तो फिर वहां क्लेम तो ये भी करेंगे एकनाथ शिंदे, लेकिन एकनाथ शिंदे को आर्म ट्विस्ट करके इन्होंने जबरदस्ती वो सीट ली। और रत्नागिरी में क्या पड़ गया मतलब पीछे रह गए राणे रत्नागिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में,
उन्होंने कहा कि भाई रत्नागिरी के पालक मंत्री उदय सावंत, और उदय सावंत ने हराया। तो उदय सावंत ने कल कणकवली, जो नारायण राणे का हार्ट कोर एरिया है, वहां पे बड़े बड़े बैनर लगे, समय भी आएगा जवाब भी देंगे और हिसाब भी करेंगे। उदय सावंत उद्योग मंत्री है वर्तमान में महाराष्ट्र में, अब वो किसका हिसाब करेंगे, किसको जवाब देंगे? तो ये सारी बात आने वाले विधानसभा के लिए है। एकनाथ शिंदे का कुनबा और बीजेपी का कुनबा कोकण में आमने सामने है, हिसाब लेने और हिसाब देने और हिसाब करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि कितना वातावरण दूषित हुआ है। मैंने कहा ना कि ये जो एनडीए गठबंधन है महाराष्ट्र में, इनका गठबंधन नीचे तक हुआ ही नहीं, ये सिर्फ विधानसभा के नंबर तक सीमित है। यही कारण है कि इनका इस बार बुरी तरह से पराजय हुआ। और दूसरी तरफ यदि सांगली की सीट छोड़ी, तो ऐसी एक भी सीट नहीं है जहां कोई कंप्लेंट है कि किसी ने किसी के लिए काम नहीं किया। शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने ग्राउंड लेवल तक मिलकर काम किया और वो काम इतना तगड़ा हुआ कि अशोक चव्हाण को राज्यसभा देकर भी ठाणे की सीट बचा, अपने नांदेड़ की सीट बचा नहीं पाई बीजेपी। और अशोक चव्हाण यदि बीजेपी में नहीं लेते तो शायद सीट बीजेपी की चली जाती। अशोक चव्हाण बीजेपी में जाने के बाद वो जो हार्डकोर कांग्रेसी है, वो जो घर से निकल के काम करने लगा, उसने बीजेपी को निपटा दिया। अशोक चव्हाण का एक वीडियो आया था अशोक जी, जिसमें हाँ, लगातार, चूंकि हमारे और आपके ही नाम राशि के हैं इसलिए जरा बुरा लगता है, अशोक नाम के इस तरह के लोग कम मैंने देखे हैं। खैर, जिस तरह से वो लगातार नमस्कार कर रहे थे और प्रधानमंत्री नमस्कार लेने को भी तैयार नहीं है, मुझे तो यही लग रहा था कि वही गुस्सा था कि तुम अपनी सीट तक नहीं निकलवा पाए। और इतने सीनियर आदमी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कैसो कैसो को मिनिस्टर बना दिया लेकिन उनका कहीं नंबर नहीं है, राज्यसभा में पड़े रहो वैसे ही। नहीं, वो देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों गुजराती हैं, जहां फायदा नहीं वहां टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। उनको लगा बहुत बड़ा फायदा है, वो हीरा उठा के लाए, वो कांच का टुकड़ा निकला। अब कांच का टुकड़ा निकला ये सामने दिखने के बाद भी कोई उसको गले में बांधेगा तो नहीं, या अंगूठी में रखेगा नहीं, तो ये नमस्ते करते रहे। उन्होंने इज्जत ही नहीं दी, इस लायक हो नहीं तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। नांदेड़ तुम्हारा गांव, तुम्हारे पिताजी वहां से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां तुम हमारे साथ आने के बाद भी इतने मतदाता नहीं साथ में लाए कि हमारी सीट जीती हुई सीट थोड़ा सा ज्यादा इसे जीते, मार्जिन से जीते। तुम्हारे आने से हमारे वोट घट गए, हमारा उम्मीदवार हार गया। तो आखिरी सवाल वही कि आपको लगता क्या है कि ओम बिरला साहब फिर से स्पीकर होंगे, बीजेपी को आराम से स्पीकर की सीट मिल जाएगी? और अगर ये होता है, सवाल पूरा कर लूं मैं, कि अगर ये होता है तो क्या तेलुगु देशम और जेडीयू और जितनी ये छोटी बड़ी पार्टीज हैं वो ऐसे ही रह पाएंगी? मुझे लगता है कि घर पे भले इनकी मीटिंग नहीं हो लेकिन बाकी मीटिंग तो चल रही होंगी। बाकी मीटिंग तो चल रही है, लेकिन मैंने सुना कि कुछ दो चार लोगों को पीएम हाउस से फोन भी गया था, शायद उनका भी नाम टटोला जा रहा है। वो सोचते हैं कि यदि बीजेपी का ही स्पीकर हो, यदि ये भी एक है कि ओम बिरला का नाम ना हो, तो एक स्पीकर कोई बिहार से हो तो ये कम से कम राज्य का कोटा पूरा करने का होगा या राज्य का होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को दे नहीं सकते, यदि टीडीपी को ही देना पड़ेगा। और आंध्र प्रदेश में तो ऐसा वजूद है नहीं कि अपने दो चार एमपी पड़े हैं तो भाई दे दो किसी को, तो ये शायद बिहार से टटोल रहे कोई नाम एकाध, या कोई एकाध नाम यूपी से लाएंगे और ये बताएंगे कि चलो हम बिरला जी को नहीं किसी और को करते हैं लेकिन आप थोड़ा साथ दीजिए, ये भी एक प्रयास चल रहा है। यूपी में अभी एक घटना घटी है, आखिरी सवाल मैं पूछ चुका था इसलिए माफी, लेकिन यूपी में मजेदार घटना घटी है। कल भी हम लोगों ने बात किया था कि
मोहन भागवत जी गए थे गोरखपुर, 4-5 दिन रहे, लेकिन पहले लगातार खबर आती रही कि योगी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। जब वो खबरें ज्यादा हो गई तो अब समझ में हम लोगों के आता है कि प्लांट करवाया गया कि नहीं भाई, गोपनीय मीटिंग हुई थी, 45 मिनट की मीटिंग हुई थी। और उनके लौटने के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि उसको कई हिस्सों में बांटने की, 3 हिस्सों में कम से कम बांटने की बात चल रही है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सर, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ मिले हैं सरसंघ चालक से, ब्रीफ मीटिंग हुई है, कर्सी मीटिंग भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि संघ चालक वहां पे उनसे ऐसी बात करेंगे। देखिए संघ चालक ऐसी बात नहीं करते, जनरली वो बात नहीं करते, उसके लिए दत्ता जी हुस्बल है, उसके लिए बाकी जी लोग हैं, वो तो बस ऐसी दार्शनिक बात करके जाते हैं और जब उनको कहना होता है तो वो खुद भाषण देते हैं कि हमने कहा। हम एक राम, मतलब एक किस्सा ही सुनाता हूं मैं, कि एक राम मंदिर का के ऊपर एक किताब लिखी गई थी और उसका विमोचन होना था संघ चालक के हाथ से। तो संघ चालक ने 3 महीने बाद का समय दिया, तो प्रकाशक जो है वो उनको जाके मिले, बोले कि आप इसके पहले आ रहे होंगे दिल्ली तो विमोचन कर लें। तो उन्हें हंसते हुए कहा कि मैंने 3 महीने का टाइम सोच समझ के दिया है, क्योंकि इसी विमोचन में मुझे कुछ बोलना भी है और वो मुझे 3 महीने बाद बोलना है, अब नहीं, तो मैं आपकी किताब के प्रोग्राम में ही बोलना चाहता हूँ, इसीलिए वो 3 महीने का टाइम दिया। उनको तीर कब बोलना है वो तय होता है, उन्हें 3 महीने बाद बोलना था इवेंट, नहीं तो कोई दूसरा होता। तो ये किताब आई तो उन्होंने किताब कर दिया और उसी किताब के दौरान उन्होंने पहली बार ये बोला कि केंद्र में सरकार होते हुए भी यदि मंदिर नहीं बनता तो फिर सरकार किस काम की। ये बोलने के बाद सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी कि जो जमीन विवादित नहीं है वो सरकार को हैंडओवर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे कहा कि पूरा अयोध्या ही विवादित हो गया है, अब ऐसा कोई जमीन अलग से नहीं कर सकते। इसी के बीच वो महिला का कांड हो गया, चीफ जस्टिस पे आरोप लगे, फिर पहली बार ऐतिहासिक न्यायपालिका ने काम किया जिस पे आरोप लगे, उसी ने खुद ही तय कर लिया कि मैं क्लीन चिट खुद को देता हूं और दे दी, और सरकार ने होने दिया। सरकार ने इस घिनौने काम में साथ दिया न्यायपालिका का, क्योंकि शायद डील हो गई थी कि आप राम मंदिर क्लियर करिए और उसके बाद आपको याद होगा डे टू डे में फटाफट राम मंदिर बन गया, आदेश आया। और राम मंदिर का यदि आप पूरा ऑर्डर पढ़े तो इतना कॉन्ट्रडिक्टिव है, मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो आप करिए करिए। मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था और जब वर्बटम शुरू हो गया वहां से उनका पढ़ना शुरू हो गया और 2-2 मिनट में अंदर एक एक स्लग आता था बाहर, तो उसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका आस्था पे बात नहीं करती, न्यायपालिका मान्यताओं पे बात नहीं करती, न्यायपालिका शुद्ध रूप से प्रूफ चाहिए इस पे बात करती है, तथ्य चाहिए इस पे बात करती है। और एंड का पैराग्राफ कहता है क्योंकि इसी मान्यताएं हैं और बहुत लोगों की आस्थाएं हैं, इसके चलते रामलला की ये जमीन हम देते हैं। तो पहले आपको आस्था बोलना ही नहीं चाहिए था, आप बोलते कि भाई आस्था भी देखते हैं, परंपरा भी देखते हैं, तो कोई बोलता आपको, लेकिन पहले आपको ये दिखाना है कि न्यायपालिका है और एंड में सरेंडर होना है और बाद में राज्यसभा भी मिल गई, पैकेज बड़ा ही था वो। जैसा आजकल वो आता है ना इंस्टाग्राम पे, एक टीवी लो तो आपको साथ में एक वो भी मिलेगा और वो भी मिलेगा और एक कटर भी मिलेगा और वेजिटेबल चॉपर भी मिलेगा इस पे, और ये तो छोड़िए ये साथ में एक माउस भी मिलेगा और आपको फिर वो आलसा के क्या है वो भी मिलेगा कई। तो ऐसे ही होगा कि आप ये दे दो तो अच्छा, एक राज्यसभा भी दे देते हैं आप और बताइए उसके ऊपर, अब तो नाराज मत होइए, अब तो कर दीजिए। तो ये काम हुआ, तो वो कभी ऐसा नहीं बोले होंगे कि बताइए अब आप किसी आपका सरकार कैसे चलाएंगे, ऐसे बोला होगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, इसके मायने है कि आप करते रहेंगे, आप हम साथ में हैं, इतना इंडिकेशन होता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री ऐसे है और ऐसे है, उन्हें सिर्फ इतना ही कहा सेवक कैसा होना चाहिए, अहंकार किसको कहते हैं। तुरंत दूसरे दिन जिसको समझना था समझ लिया और उसने मोदी का परिवार हटा दिया। तो ये बात होती, लेकिन एक काउंटर, मुझे नहीं लगता कि योगी जी जाएंगे, अब वो खुटा कर गया है लंबा, अब योगी जी अपना टेन्योर पूरा करेंगे।
जो उनकी तो इंस्टाग्राम वाली ऐड की तरह हम भी ये ऐड कर सकते हैं कि अगर हम अशोक वानखेड़े जी को स्पीकर पर बात करने के लिए बुलाएंगे तो महाराष्ट्र पर भी बात होगी, यूपी पर भी और बहुत सारे नए पुराने किस्से भी खुलेंगे। नमस्कार।